डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अंतिम पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में पेपर ML2-104 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अप्लीकेशन में ब्लॉक 1 डाटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट में यूनिट 1 डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स के बारे में हम इस लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। परिचय एंड डेटा किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कई संगठन अपनी प्रकृति के बावजूद डेटा के संग्रह और हेर फेर से चिंतित है। डेटा को कंप्यूटर में संग्रहित कच्चे नंबरों या अक्षरों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो चीज़ों के बारे में तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। डेटा का अपनी संग्रहित स्थिति में बहुत कम अर्थ है, चाहे हम उस भौतिक रूप में डेटा के बारे में सोचते हैं जिससे यह संग्रहित है या अपने तार्किक रूप में है, क्योंकि संदर्भ के बिना तथ्य अनुपयोगी है। डेटा के एक स्टोर को एक डेटाबेस के रूप में संदर्भित किया जाता है। आदर्श रूप में डेटा को किसी भी अधिकृत व्यक्ति के लिए संगठन में किसी भी प्रारूप में, जो भी प्रारूप में वांछित है, के लिए सुलभ होना चाहिए। लेकिन विभिन्न संगठनों में बनाए गए पारंपरिक कंप्यूटर फाइलें इस प्रकृति के उपयोग की सुविधा नहीं देते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर फाइलों को केवल एक एप्लीकेशन और उससे जुड़े कार्यक्रमों के सेट के लिए उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वे आमतौर पर एक ही संगठन के भीतर इस्तेमाल होते हैं और अन्य डेटा से बहुत कम या कोई संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से शुरू और विकसित होते हैं। इस तरह की फाइलें अक्सर सूचना के लिए उपयोगकर्ता के अनुरोधों से असंबंधित होती है, खासकर जब ये अनुरोध गैर पूर्वानुमान योग्य तरीके से बदलते हैं, जब फाइलों को एक विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और जब किसी संगठन में कई अनुप्रयोग होते हैं तो फाइलों में अक्सर अनावश्यक डेटा होता है। इसका मतलब है कि एक ही डेटा एक से अधिक फाइलों में संग्रहित है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी का नाम और पता दोनों कर्मचारियों और पेरोल फाइलों में निहित हो सकता है। अधिक संग्रहण स्थान की आवश्यकता के अलावा अनावश्यक डेटा अध्ययन करने की समस्याओं को प्रस्तुत करता है, क्योंकि एक फाइल में डेटा अपडेट करने से दूसरी फाइल में समान डेटा अपडेट नहीं होगा। परिणाम स्वरूप एक फाइल में डेटा किसी अन्य फाइल में डेटा के अनुरूप नहीं हो सकता है। हालांकि यह माना जाता है कि इसके अलावा, चूँकि फाइलें एप्लीकेशन विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए डिज़ाइन की जाती है, इसलिए डेटा के प्रारूप में बदलाव कई अनुप्रयोगों और कई कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकता है। यदि किसी नई फील्ड को फाइल में जोड़ा जाना है तो संबंधित प्रोग्राम को बदलना होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कार्यक्रम डेटा पर निर्भर है। उपयोगकर्ता की ज़रूरतें, डेटा रेडुडेंसी और डेटा पर प्रोग्राम निर्भरता से संबंधित डेटा की समस्याओं को दूर करने के लिए डेटाबेस विकसित किए गए हैं। एक डेटाबेस का मूल उद्देश्य संग्रहित डेटा तक पहुंचने को सक्षम करना है, ताकि यह उपयोगकर्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान कर सके। यह इकाई डेटाबेस अवधारणा से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने और डेटाबेस घटकों को समझाने के लिए है। डेटाबेस का मतलब आप तभी समझ पाएंगे जब आपको डेटा का मतलब पता होगा। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि डेटा क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे एक डेटाबेस क्या है। डेटा से मतलब आपका नाम, आपकी उम्र, आपके शहर का नाम, आपके देश का नाम, आप किसी जगह स्टोर करके रखते हो, वह एक प्रकार का डेटा है। आप किसी फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करते हो
तो वह डेटा कहलाता है। तो जब आपको डेटा क्या होता है इसके बारे में पता चल गया है, जो आपका डेटा होता है वह जहाँ पर सेव होता है, जहाँ पर उस डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, उसे डेटाबेस कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। आसान शब्दों में डेटा के सिस्टमेटिक कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। इसलिए क्योंकि इसे काफ़ी व्यवस्थित बनाया जाता है ताकि डेटा को आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। डेटाबेस का मूल कार्य डेटा मैनेजमेंट को आसान बनाना है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों का एक स्टूडेंट रिकॉर्ड तैयार करना है, जिसमें उन्होंने हर स्टूडेंट का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और पेरेंट्स नेम, यह सब इन्फॉर्मेशन अपने पास किसी बड़े रजिस्टर में लिखकर रखनी है, जिससे उन्हें आगे किसी स्टूडेंट के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए वह रजिस्टर में रोज़, कॉलम्स और टेबल खींचकर उसमें डेटा को नंबरवार बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, जिससे उन्हें आगे वह जानकारी ढूंढने में आसानी हो। अब यदि हम इसी स्टूडेंट रिकॉर्ड को बिल्कुल ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से टेबल, कॉलम्स और रो में लिखकर इसकी फाइल को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वह डेटाबेस कहलाता है। जब किसी डेटा को इस तरह से लिखा जाता है तो उसे टेबुलर डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में डेटाबेस बनाने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से हम कभी भी डेटाबेस में स्टोर इन्फॉर्मेशन को डिलीट, चेंज और ऐड कर सकते हैं। इन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। इस दशक में दो लोकप्रिय डेटाबेस मॉडल थे, एक नेटवर्क मॉडल और दूसरा हायरार्किकल मॉडल। तो चलिए अब हम DBMS के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन: डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन डिफाइंड रेंज ऑफ सब्जेक्ट टुगेदर विथ ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू एक्सेस दैट डाटा। डेटाबेस वे सूचना स्रोत हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से सूचना प्राप्ति कराने हेतु संगठित किए जाते हैं। इसलिए डेटाबेस संगठित डेटा का एक संग्रह होता है जिसका विभिन्न उपयोगकर्ताओं किया जाता है। किसी भी डेटाबेस के लिए निम्नलिखित गुण होते हैं: डेटाबेस द्वारा उपयोग डेटा सिर्फ एक बार ही उत्पन्न होता है और प्रतिकृति या डुप्लीकेट डेटा को निष्कासित किया जाता है या डिलीट किया जाता है। डेटा का संगठन किसी भी अनुप्रयोग प्रोग्राम में स्वतः होता है। डेटा का अनेक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है। डेटाबेस का मानकीकृत या स्टैंडर्डाइजेशन प्रयोग होता है। डेटाबेस इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल डेटा विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ स्पेसिफिक मैनर। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स: फाइल सिस्टम। कंप्यूटर फाइल्स का डिज़ाइन इस प्रकार से होता है कि उसका अनुप्रयोग एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता कर सकता है, क्योंकि इस तरह की फाइलें स्वतंत्र रूप से विकसित की जाती है जिनका आपस में न के बराबर समय होता है। इस तरह की फाइलें उपयोगकर्ता द्वारा मांगी गई अनप्रिडिक्टेबल सूचनाओं को पूरा नहीं कर पाती है। संस्थाओं में फाइल प्रणाली में बहुत सी फाइलें किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए विकसित की जाती है और इनमें डेटा का दोहराव होता है। इस प्रकार का एक ही डेटा कई फाइलों में उपलब्ध होता है, जिसके कारण कंप्यूटर अनावश्यक मेमोरी ग्रहण करता है तथा उसका दोहराव वाला भाग अनुपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की सभी सूचना एक फाइल में संग्रहित है तथा उस कॉलेज का पुस्तकालय भी विद्यार्थियों का विवरण अपने पास रखता है। यदि पुस्तकालय और कॉलेज आपस में विद्यार्थियों की सूचनाओं का तालमेल ठीक रखते हैं तो यह व्यवस्था ठीक है, लेकिन इस तरह डेटा के दोहराव से डेटा असंबद्धता या इनकंसिस्टेंसी की ओर बढ़ता रहता है। यह तब ही होता है जबकि किसी विद्यार्थियों का स्थायी पता परिवर्तित हो जाता है। यह विद्यार्थी इसकी सूचना कॉलेज के प्रशासन को देता है और कॉलेज प्रशासन संबंधित फाइल में संशोधन कर देता है, लेकिन यह संशोधन पुस्तकालय की फाइल में नहीं हो पाता है और पुस्तकालय छात्र को ओवरड्यू पुस्तकों का स्मरण पत्र या रिमाइंडर लेटर पुराने पते पर भेजता है और पुस्तकालय की फाइल
अपडेट नहीं हो पाती है क्योंकि विद्यार्थियों ने अपना पता पुस्तकालय की फाइल में परिवर्तित नहीं करवाया है, इसलिए डेटा के दोहराव के कारण डेटा में इनकंसिस्टेंसी बनी रहती है तथा डेटा के दोहराव द्वारा स्टोरेज भी अर्थ हो जाता है। अतः फाइल प्रणाली में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिड्यूडेंसी, डेटा की साझेदारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डेटा शेयरिंग, विभिन्न अनुप्रयोगों में एकात्मता का अभाव इत्यादि। इन समस्याओं का डेटाबेस प्रणाली द्वारा निराकरण किया जा सकता है। डेटाबेस प्रणाली या डेटाबेस सिस्टम संपूर्ण संस्थान के संसाधनों जैसे कि कर्मचारी, वित्त, उपकरण आदि को व्यवस्थित किया जा सकता है। डेटाबेस की एकात्मकता से संसाधन के सभी उपयोगकर्ताओं को डेटा या सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है तथा संस्थान के सभी विभागों द्वारा डेटा की साझेदारी की जा सकती है। इसी प्रकार अलग अलग विभाग द्वारा अपना अपना डेटा भी निवेश कर सकते हैं और जब किसी भी विभाग को ज़रूरत होती है तो वह किसी भी रूप में इस डेटा को पुनः प्राप्त कर सकता है। डेटाबेस किसी विशेष डेटा की रचना पर निर्भर नहीं करता है। डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण उपयोगकर्ता इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं तथा साथ ही सभी विभाग अपना अपना डेटा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस प्रणाली में डेटा रिड्यूडेंसी, शेयरिंग ऑफ डेटा, अनकंट्रोल्ड सर्चिंग आदि नहीं होता है, जिसके कारण खर्च भी कम होता है। इस प्रकार डेटाबेस प्रणाली का उपयोग आज के युग में काफ़ी हो रहा है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं: डेटा के दोहराव में नियंत्रण, लाइक कंट्रोलिंग ऑफ डेटा रिड्यूडेंसी, डेटा असंबद्धता में नियंत्रण, कंट्रोलिंग ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा सोती की साझेदारी का महत्व, शेयरिंग वैल्यू डेटा रिसोर्सेस, विभिन्न अनुप्रयोगों में एकात्मता या इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस या उपयोग में आसान इजी टू यूज़ डेटा का एक साझा रखरखाव एवं सुरक्षा। डेटाबेस अप्रोचेस: डेटा की मानकीय श्रेणीबद्धता द स्टैंडर्ड हायरची ऑफ डेटा। डेटाबेस प्रणाली में डेटा श्रेणीबद्धता रूप में संगठित होता है। इसमें सबसे न्यूनतम डेटा इकाई बिट होती है, तत्पश्चात बिट संग्रहित होते हैं बाइट्स में, बाइट संग्रहित होते हैं फील्ड्स में, फील्ड संग्रहित होते हैं रिकॉर्ड्स में एवं रिकॉर्ड संग्रहित होते हैं फाइल्स में, जैसा कि चित्र में आप दर्शाया गया है। अतः इस मानक के आधार पर हम कह सकते हैं कि फाइल्स मिलकर डेटाबेस तैयार करती है। उपयुक्त कथन सत्य है, परंतु यह पूर्ण स्वरूप से डेटाबेस अभिगम को परासित नहीं करता है। डेटाबेस में फाइलों के अतिरिक्त डेटा कोष या मेटा डेटा या डेटा डायरेक्टरी भी होती है, जिसमें डेटा के संबंध में पूर्ण जानकारी होती है, जैसे कि पुस्तकालय में कैटलॉग पुस्तकों के संग्रहण की पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इंडेक्सेस डेटाबेस में डेटा का परस्पर संबंध एवं डेटाबेस अनुप्रयोग के निष्पादन में सुधार में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त डेटाबेस में एक और डेटा होता है जो अनुप्रयोग से संबंधित होता है, जिसका उपयोग डेटाबेस करता है। कभी कभी डेटा एंट्री फॉर्म एवं रिपोर्ट भी डेटाबेस का अंग होता है। इन सभी को हम मेटा डेटा के रूप में परिभाषित करते हैं। फाइल प्रणाली बनाम डेटाबेस अप्रोचेस: फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस अप्रोचेस। जैसा कि पहले कहा गया है कि डेटाबेस प्रणाली में संपूर्ण डेटा बिना किसी दोहराव के उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें न कि हर उपयोगकर्ता या प्रोग्राम अपना अपना डेटा प्रयोग करता है, अपितु अधिकृत उपयोगकर्ता DBMS के प्रयोग से डेटा का अनुप्रयोग साझा करते हैं। उदाहरण के लिए चित्र में 3 फाइलों को दर्शाया गया है के अनुसार अगर हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटा दें और तीनों फाइलों को मिला दें तो इस प्रकार तीनों अनुप्रयोग एक ही फाइल में प्रयोग करते हैं और इस प्रकार परिचालन सरल से हो जाता है और सिर्फ सुरक्षा के उद्देश्य से कुछ बैकअप फाइलों की आवश्यकता होती है।
डेटाबेस के अभिलक्षण और लाभ, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट ऑफ डेटाबेसेस, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस का एक गुण सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है, जिसे उपभोक्ताओं के डेटा के अतिरिक्त डेटाबेस की अपर संरचना का पूर्ण विवरण होता है। इस विवरण को हम डेटा डायरेक्टरी या डेटा डिक्शनरी या मेटा डेटा कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि डेटाबेस पुस्तकालय सूची की तरह होता है। पुस्तकालय का स्ववर्णित गुण होता है पुस्तकों का संग्रह। इस संग्रह का विवरण पुस्तकालय सूची, जो पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण भाग है, द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार डेटाबेस में डेटा डिक्शनरी, जो डेटाबेस का एक महत्वपूर्ण अंग है, द्वारा डेटाबेस के अंदर उपलब्ध सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है। सेकंड, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डाटा। फाइल आधारित प्रणाली में डेटा फाइलों की संरचना को एप्लीकेशन प्रोग्राम में परिभाषित किया जाता है। इसलिए यदि कोई उपयोगकर्ता किसी फाइल की संरचना को बदलना चाहता है, तो उस फाइल तक पहुंचने वाले सभी कार्यक्रमों को भी बदलना पड़ सकता है। दूसरी ओर, डेटाबेस दृष्टिकोण में डेटा संरचना सिस्टम कैटलॉग में संग्रहित की जाती है और कार्यक्रम में नहीं। इसलिए एक परिवर्तन एक फाइल की संरचना को बदलने के लिए आवश्यक है। कार्यक्रमों और डेटा के बीच इस इंसुलेशन को प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। थर्ड, सपोर्ट फॉर मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा। एक डेटाबेस डेटा के कई विचारों का समर्थन करता है। एक दृश्य डेटाबेस का एक सबसेट है, जो सिस्टम के विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए परिभाषित और समर्पित है। सिस्टम के कई उपयोगकर्ताओं के पास सिस्टम के अलग अलग विचार हो सकते हैं। प्रत्येक दृश्य में केवल उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं के समूह के लिए रुचि का डेटा हो सकता है। शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर सिस्टम। वर्तमान डेटाबेस सिस्टम कई उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यही है, वे कई उपयोगकर्ताओं को एक ही डेटाबेस को एक ही समय में एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। यह पहुंच संगमिति नियंत्रक रणनीतियों नामक सुविधाओं के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ये रणनीतियाँ सुनिश्चित करती है कि एक्सेस किया गया डेटा हमेशा सही हो और डेटा अखंडता बनी रहे। आधुनिक मल्टी ईयर डेटाबेस सिस्टम का डिज़ाइन अतीत में उन लोगों से एक महान सुधार है, जो एक समय में एक व्यक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं। फिफ्थ, कंट्रोल ऑफ डेटा रिड्यूडेंसी। डेटाबेस दृष्टिकोण में आदर्श रूप में प्रत्येक डेटा आइटम को डेटाबेस में केवल एक स्थान पर संग्रहित किया जाता है। कुछ मामलों में डेटा रिड्यूडेंसी अभी भी सिस्टम प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मौजूद है, लेकिन इस तरह के अतिरेक को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वो डेटाबेस को डिजाइन करते समय यथासंभव कम अतिरेक पेश करके न्यूनतम रखा जाता है। सिक्स, डेटा शेयरिंग। एक डेटाबेस प्रणाली के भीतर एक संगठन के लिए सभी डेटा के एकीकरण के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह कर्मचारियों और अन्य लोगों के बीच डेटा साझा करने की अनुमति देता है, जिनकी प्रणाली तक पहुंच है। दूसरा, यह उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित मात्रा में डेटा से अधिक जानकारी उत्पन्न करने की क्षमता देता है, जो एकीकरण के बिना संभव है। सेवंथ, इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी कंसेंट्रेंट। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को यह सुनिश्चित करने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए कि कुछ अवरोधों को लागू किया जाए, ताकि उपयोगकर्ताओं वैध जानकारी दर्ज कर सकें और डेटा अखंडता बनाए रख सके। एक डेटाबेस बाधा एक प्रतिबंध या नियम है, जो एक तालिका में दर्ज या संपादित किया जा सकता है, जैसे कि एक निश्चित प्रारूप का उपयोग करके या शहर के क्षेत्र में एक वैध शहर को जोड़ना। एट्थ, रेस्ट्रिक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इट प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। वी कैन से कि जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस होता है, उससे हमें बचाया जा सकता है। नाइन्थ, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का एक अन्य लाभ यह है कि यह डेटा स्वतंत्रता के लिए कैसे अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, सिस्टम डेटा विवरण या डेटा मेटाडेटा
का वर्णन करने वाले डेटा को एप्लीकेशन प्रोग्राम से अलग किया जाता है। यह संभव है क्योंकि डेटा संरचना में परिवर्तन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है और कार्यक्रम में एक ही एम्बेडेड नहीं होता है। दसवां, बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटीज़। बैकअप और रिकवरी ऐसे तरीके हैं जो आपको अपने डेटा को नुकसान से बचाने की अनुमति देते हैं। डेटाबेस सिस्टम एक अलग प्रक्रिया प्रदान करता है जो कि नेटवर्क बैकअप से डेटा का बैकअप लेने और पुनः प्राप्त करने के लिए होता है। यदि कोई हार्ड ड्राइव विफल हो जाता है और हार्ड ड्राइव पर संग्रहित डेटाबेस सुलभ नहीं है तो डेटाबेस को पुनः प्राप्त करके एकमात्र तरीका बैकअप से होता है। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। किसी भी संगठन में डेटाबेस के चार अवयव होते हैं। यह इस प्रकार हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूज़र। चित्र 2.3 डेटाबेस प्रणाली में इन चारों अवयवों का आपस में संबंध दर्शाया गया है। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को समझकर डेटाबेस तैयार करने वाले या सिस्टम एनालिस्ट डेटाबेस की संरचना तैयार करते हैं। फिर डेटाबेस संरचना को विशेष रूप से लिखा जाता है। DBMS में यह कार्य डेटा डिक्शनरी के द्वारा किया जाता है। उपयोगकर्ता द्वारा डेटा को किसी विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। प्रविष्ट किए गए डेटा को हार्डवेयर माध्यम के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, जैसे कि डिस्क और टेप। डेटाबेस अभिगम करने के लिए डेटाबेस डिज़ाइन द्वारा अनुप्रयोग प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा जाता है। ये प्रोग्राम DBMS की कमांड भाषा का प्रयोग करते हैं और डेटा डिक्शनरी में जो सूचना होती है उसका प्रयोग भी करते हैं। इस प्रकार इन चारों अवयवों को मिलाकर एक सिस्टम बनता है जो कि किसी भी संस्था की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डेटाबेस के अन्य घटक डेटा, मेटा डेटा, अनुक्रमणिकाएँ और अनुप्रयोग मेटा डेटा होते हैं। आजकल अधिकतर डेटाबेस डेटा को संबंधों या तालिकाओं में प्रस्तुत करते हैं। सामान्यकरण प्रक्रिया या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से इन संबंधों को सुधारा जाता है। मेटा डेटा को विशेष तालिकाओं में संग्रहित किया जाता है जिन्हें हम सिस्टम टेबल्स कहते हैं। DBMS के कार्य को हम तीन उप प्रणालियों में बांटते हैं। पहला, डिज़ाइन टूल्स सब सिस्टम्स। इस प्रणाली में उपकरणों का संग्रह होता है जो डेटाबेस के डिज़ाइन, निर्माण और अनुप्रयोग में मदद करता है। इस उपकरणों का कार्य तालिकाओं, क्वेरी और रिपोर्ट का निर्माण करना होता है। सेकंड, रन टाइम सब सिस्टम डिज़ाइन। उपकरणों से निर्मित अनुप्रयोग घटकों को क्रियान्वित करता है। थर्ड, DBMS इंजन। यह इंजन टूल्स सब सिस्टम्स और रन टाइम सब सिस्टम और डेटा के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करता है। यह अन्य दो घटकों से अनुरोध प्राप्त करता है, उन अनुरोधों को कमांड्स में स्थानांतरित करके ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजता है। DBMS इंजन अन्य कार्यों जैसे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, लॉकिंग और बैकअप, प्री ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में भी शामिल होता है। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेस के प्रकार। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस सूचना प्रणाली का अवयव है। इसमें पुस्तकालय के प्रलेखों का रिकॉर्ड होता है जिसमें प्रलेखों की समस्त जानकारी सूचना उपलब्ध होती है, जैसे कि किसी भी प्रलेख का लेखक, आख्या, विषय, संकेत, शब्द, प्रकाशक इत्यादि। इस प्रणाली में जो डेटा स्टोर किया जाता है वह कुछ सीमा तक पूर्ण प्री प्रोसेस्ड होता है और इसकी सूचना का मूल्य होता है। यही कारण है कि सूचना को हम संगठित रूप में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके डेटा फील्ड्स के अंदर विभिन्न प्रकार से प्रविष्टियां या एंट्रीज तैयार हो जाती हैं, जिसके कारण विभिन्न अनुक्रमणी भी बन जाती है जो कि एक्सेस में उपयोगी होती है। इस प्रणाली को हम सूचना संग्रहण या इंफॉर्मेशन स्टोरेज, सूचना पुनर्प्राप्ति या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रणाली में प्रलेख की समस्त वाक्मय सूचना उपलब्ध होती है।
डेटाबेस को तैयार करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वर्ग संख्या और कीवर्ड्स तथा सब्जेक्ट हेडिंग्स देना, ताकि बाद में आवश्यकता अनुसार किसी भी संकेत शब्द या सब्जेक्ट से प्रलेख को पुनः प्राप्त किया जा सके। एक रिकॉर्ड में उपलब्ध अपने आप में पूर्ण और अद्वितीय होता है। इसकी तुलना हम पुस्तकालय की कार्ड सूची से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो डेटाबेस तैयार या अद्यतन या संग्रहित करते हैं, तो उसको हम किसी भी लेखक, विषय, आख्या, संकेत शब्द या पद से खोज सकते हैं। कंप्यूटर में खोज के लिए बूलियन लॉजिक्स के माध्यम से, प्रिसिस टर्म से, राइट ट्रंकेशन सर्च से या पॉक्विटी खोज ऑपरेशन इत्यादि से खोज सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम वर्गांक या क्लासिफिकेशन नंबर और कॉम्बिनेशन सर्चेस से किसी भी प्रलेख या विषय को खोज सकते हैं। सेकंड, फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस। इन डेटाबेस में बिब्लियोग्राफिक डेटा डिस्क्रिप्शन के अतिरिक्त पूर्ण टेक्स्ट भी उपलब्ध करवाया जाता है, जैसे कि समाचार पत्रों के सभी आर्टिकल्स प्रायः ऑनलाइन होते हैं तथा सीडी रोम में फुल टेक्स्ट रूप में भी उपलब्ध होते हैं। यह खोजने योग्य होते हैं, लेकिन प्रायः इनमें अनुक्रमणीकरण पद उपलब्ध नहीं होते हैं। तीसरा, न्यूमेरिकल डाटाबेसेस। इस तरह के डेटाबेस में न्यूमेरिक डेटा उपलब्ध होता है, जैसे कि कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या कमोडिटी या स्टॉक एक्सचेंज या स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, किसी भी सब्सिस्टेंस की रासायनिक या भौतिक प्रॉपर्टी इत्यादि, ये सारी डिटेल्स न्यूमेरिकल डाटाबेस में आती हैं। फोर्थ, डायरेक्टरी डेटाबेस। इस प्रकार के डेटाबेसों में किसी भी सत्ता की संपूर्ण सूचना उपलब्ध रहती है, जैसे कि संस्था, व्यक्ति, प्रकाशन, पब्लिकेशन इत्यादि। फिफ्थ, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस। मल्टीमीडिया डेटाबेस में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स, चित्र, ग्राफ, चार्ट, मैप्स आदि जानकारी उपलब्ध होती है। यह ज़्यादातर सीडी रोम में उपलब्ध होते हैं। इनको दूरसंचार नेटवर्क या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी फाइल होने के कारण ट्रांसमिशन में असुविधा होती है। हाई स्पीड नेटवर्क में यह असुविधा दूर हो जाएगी। सिक्स, ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस। इनमें उपयोगकर्ता को किसी भी सामान या सेवा को सीधा उपलब्ध करवाया जाता है। ज़्यादातर इस तरह की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होती है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के डेटाबेस भी होते हैं, जैसे कि शब्दकोश, विश्वकोश, केमिकल स्ट्रक्चर्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि। यूज ऑफ डेटाबेसेस। अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और तेजी से फैलते अंतर्राष्ट्रीय सूचना बाजार के लिए आज देश में स्वदेशी सूचना उद्योग के विकास को जोरदार बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, औषधि, विज्ञान, कला, संस्कृति, वास्तुशिल्प और मानविकी क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान उपलब्ध है। प्रकाशन उद्योग, संगीत एवं फिल्म उद्योग, प्रसारण माध्यम और कंप्यूटर पर आधारित मनोरंजन जैसे उभरते उद्योग इन स्रोतों से सूचना उपलब्ध कराने की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अनेक संस्थाएं विभिन्न विषयों में डेटाबेस प्रणाली को बनाने के लिए कार्यशील हैं, जैसे कि विज्ञान और तकनीकी, सामाजिक आर्थिक डेटा, कानून तथा अधिनियम, प्राकृतिक संसाधन। देश में उपलब्ध डेटाबेस प्रणाली या सूचना प्रणाली को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, संदर्भ प्रणाली। इस प्रणाली के द्वारा उपयोगकर्ताओं को उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के साथ साथ संदर्भित दस्तावेजों का सारांश भी उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न विषयों में प्रकाशित पत्रिकाएं और डेटाबेस जैसे कि मेडलाइन, बायोसिस, केमिकल्स, एब्स्ट्रैक्ट्स,
तथा क्षेत्रीय डेटाबेस से भी सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। सेकंड तथ्यात्मक प्रणाली, सर्वेक्षणों और प्रेक्षणों और परीक्षणों से प्राप्त डेटा की सूचना देती है। थर्ड, पूर्ण पाठ प्रणाली, इस प्रणाली में पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री पाई जाती है। भारत में बहुमूल्य संसाधन उपलब्ध हैं जिनके लिए निम्न संस्थाएं क्रियाशील है। राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA, राष्ट्रीय समाज विज्ञान प्रलेख केंद्र NSDOC, उद्योग, कृषि, समाज कल्याण, सांस्कृतिक सूचना आदि से संबंधित संस्थाएं। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डेटा और सूचना को एकत्र करने, व्यवस्थित करने तथा भंडारित करने में संलग्न कुछ प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, सूचना नेटवर्क आदि। भारत में पुस्तकालयों द्वारा अपने संसाधनों का मिलजुल कर उपयोग करने के लिए सूचना में काफ़ी प्रगति हुई है, जैसे कि डेलनेट, बोनेट, कैलिबनेट, एडीनेट, इन्फ्लिमनेट, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क्स इत्यादि। सारांश, सूचना को उपलब्ध कराने के लिए डेटाबेस तकनीकी एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर कर आई है। डेटाबेस तकनीकी को पूर्ण रूप से सूचना प्रौद्योगिकी ने विस्तृत किया है, जिसमें आजकल डेटा को प्राप्त, एक्सेस करना बहुत ही आसान हो गया है। भारतवर्ष में भी इस तकनीकी का भरपूर प्रयोग हो रहा है। हर एक क्षेत्र में विश्व स्तर के डेटाबेसों की प्रगति हुई है। डेटाबेस प्रणाली के विकास से फाइल प्रणाली में जो भी कमियां थी उनको पूर्ण किया है, कि डेटा के दोहराव में नियंत्रण, डेटा असंबद्धता में नियंत्रण, डेटा स्रोतों की साझेदारी, उपयोग में सुविधा, डेटा का साझा रखरखाव एवं सुरक्षा इत्यादि। डेटाबेस का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, जिसका अनुभव डेटाबेस के प्रकार से होता है, जैसे कि बिब्लियोग्राफिकल, फुल टेक्स्ट, न्यूमेरिकल, डायरेक्टरी, मल्टीमीडिया, ट्रांजेक्शनल डेटाबेस इत्यादि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेटाबेस आजकल किसी भी संगठन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। इस लेक्चर सीरीज से जुड़ने के लिए आप सबका खूब खूब आभार।